लटेरी के बलरामपुर में फॉरेस्ट विभाग की जमीन के अतिक्रमण मुक्त की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। इसी क्रम में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 752B पर पशुओं को अस्थायी गौशाला के लिए जगह चिन्हित की मांग को लेकर चक्का जाम किया। धरना प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने मांग की कि जो भी फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। चक्का जाम के दौरान नेशनल हाईवे 752B लगभग 3 घंटे के आसपास जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा है। वहीं इस चक्का जाम में एम्बुलेंस भी फंस चुकी थी, जिसमें ग्रामीणों को समझा करके उसके बाद एम्बुलेंस को निकाला गया है और उसको रास्ता दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग से लिखित में आवेदन लिया, जिस पर उनकी मांगें मानी गई है। क्या है बलरामपुर में इसके पहले ये वन विकास निगम में जमीन थी P-361 जिसपे पुराना अतिक्रमण था, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने अभी चाहते थे कि अतिक्रमण अभी ये 3 महीना हुआ है हमारे पास आया हुआ और इसे संज्ञान में लेकर के और एक एक आरोपियों पर सर्वे करा करके और नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण की बेदखली की जाएगी। और पैर रखने के लिए जगह नहीं बची यहाँ पर, मतलब कुछ कर्नोई भूमि सरकारी भूमि सब अतिक्रमण कर रखा है। तो ये तो आपकी जवाबदारी है, आप सरपंच हैं, यहाँ का अतिक्रमण जो भी कब्जा है उसको हटवाया जाए। प्रशासन को दिया है, 8 दिन पहले आवेदन दिया था, 15 दिन पहले आवेदन दिया था, SDM मैडम को दिया है, तहसीलदार साहब को दिया है, वन विभाग में दिया है, लेकिन कोई कुछ नहीं करा था, सरपंच क्या कर सकता है। अतिक्रमण भूमि हटवाओ इसलिए करा और गौशाला बनवाई जाए और हमारा नुकसान हो रहा है इसलिए चक्का जाम किया गया है। क्या मांगे आप लोग? आप गौशाला बनवाओ और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। नहीं, आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग यही है, गौशाला और अतिक्रमण मुक्त किया जाए।